हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी न्यू टॉपिक अबाउट योर कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में PLC भी बोलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोटा और बढ़िया टॉपिक है, याद रखने में बहुत ही आसान। कई बार हमारे CMA और CA फाइनल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सर, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या? बेसिकली हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ होती है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक लाइफ होती है, और ये प्रोडक्ट की लाइफ उस समय स्टार्ट होती है जब हमने उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। हमने उस नए प्रोडक्ट को इनोवेट किया, अब उस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया। जब हम मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बट ऑब्वियस है, कोई कंपटीशन नहीं होता या लेस कंपटीशन होता है, ना के बराबर। जैसे ही हम प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं या मार्केट में प्रोडक्ट की ग्रोथ या सेल इंक्रीज होती है, तुरंत नए नए कंपटीटर्स मार्केट में पैदा होते हैं, कट थ्रो कंपटीशन होता है, प्राइसेस डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है डिक्लाइन। हम जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है ये थ्योरी? सर, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा कि एक प्रोडक्ट के लॉन्च होने से उसके ख़त्म होने, डिक्लाइन होने तक के कंसेप्ट की स्टडी हम करेंगे, बट व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। ओके, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अगर हम बात करें तो इसमें हम ट्रेस आउट करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, यानी हम एक प्रोडक्ट की लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में, यानी प्रोडक्ट मरता भी है। हाँ जी, प्रोडक्ट मरता भी है, जरा देखें कैसे। नोकिया कंपनी, हम ये नहीं कह रहे नोकिया कंपनी बंद हो गई, नोकिया कंपनी मोबाइल लॉन्च किया, नए नए हार्डवेयर, डिफरेंट सिस्टम लॉन्च किए, अल्टीमेटली नोकिया कंपनी फेल्योर हो गई सॉफ्टवेयर के मामले में। वो नया इनोवेशन या नए प्रोडक्ट वेरिएंट नहीं ला पाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। दूसरी कंपनियां बाद में आईं, कंपटीशन दिया नोकिया को, उन्होंने हार्डवेयर पे कम और लोगों के इंटरेस्ट पर ज़्यादा काम किया, लोगों को ये ज़्यादा पसंद आया। हर एक चीज़ का एक फेज और एज और लिमिट होती है, उसी तरह हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। उस प्रोडक्ट की उस लाइफ में हम कॉस्ट और रेवेन्यूज का एनालिसिस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ट्रेसिंग आउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये है क्या? ये हमें बताता है कि अगर हमारा एक प्रोडक्ट, ये उसकी लाइफ है, ये उसकी लाइफ है, क्या एक प्रोडक्ट की लाइफ मंथ्स में हो सकती है? हाँ जी। ईयर में हो सकती है? हाँ जी। ईयर्स में हो सकती है? हाँ जी। एक प्रोडक्ट की लाइफ डेज, मंथ्स, ईयर एंड ईयर्स में हो सकती है। हमने इस प्रोडक्ट की लाइफ को कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने इस प्रोडक्ट की लाइफ को कई कैलेंडर्स या मंथ्स या ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और देखा
कि देर इज अ पैटर्न, ओके, देर इज अ सेट पैटर्न, ओके, हमें पहले से ही मालूम है. क्या मालूम है? हमें पहले से ही मालूम है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर चुका, ये रुक गया और इसके बाद ये डिक्लाइन. एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ग्रोथ कर रहा है, स्टेबलाइज हो गया और उसके बाद डीग्रोथ या डिक्लाइन के फेज पर पहुंच गया. अगर मैं बोलूं कि ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, कैसे सर जी? ये मैंने इंट्रो किया, प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल हो गया. क्या हो गया? स्टेबल हो गया, वहीं रुक गया और इसके बाद डिक्लाइन की पोजीशन आ गई. बोलो ना. और अगर हम कहें कि इस प्रोडक्ट की लाइफ को हम फोर फेजेस में बांट सकते हैं, अगर हम कहें कि हम इस प्रोडक्ट की लाइफ को चार फेजेस में बांट सकते हैं, द फर्स्ट वन फेज इज लॉन्चिंग फेज. द फर्स्ट वन फेज इज लॉन्चिंग फेज, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोडक्शन में आ रहा है. ओके, द फर्स्ट वन फेज इज इंट्रोडक्शन. अच्छा, जब सेकेंड फेज में पहुंचते हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं ग्रोथ फेज, और जब हम थर्ड फेज में पहुंचते हैं तो हम कहते हैं मैच्योरिटी फेज, और जब हम लास्ट फेज में पहुंचते हैं हम इसको नाम दे सकते हैं डिक्लाइन फेज. इन टोटालिटी देयर आर फोर फेजेस ऑफ अ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की लाइफ चार फेजेस में बंटी हुई हैं. पहला इंट्रो, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैच्योरिटी एंड फोर्थ डिक्लाइन. सॉरी, इन चार फेजेस से होकर के एक प्रोडक्ट की लाइफ आगे चलती है. जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, आगे बढ़ता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है, इन द सेम वे एक प्रोडक्ट को मैंने इंट्रो दिया, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी यानी ठहराव, और उसके बाद डिक्लाइन. सर, इन फेजेस को थोड़ा और थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, लीजिए. अगर मैं कुछ बेसिस को लेकर के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बांटने का काम करूं चार फेजेस में, इंट्रोडक्टरी फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन फेज. दिस इज योर पर्टिकुलर. अगर हम बात करें सेल्स वॉल्यूम की, अगर हम बात करें सेल्स वॉल्यूम की, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेल्स वॉल्यूम, जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उस समय उसकी सेल होगी बहुत ही कम. हाँ सर जी, बात तो बिल्कुल 16 आने सही है कि हमने प्रोडक्ट को अभी अभी लॉन्च किया तो उसकी सेल कैसे बढ़ जाएगी? प्रोडक्ट की लॉन्च के बाद मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी. अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, यानी सेल्स हाई होगी एट इंक्रीजिंग रेट. ओके, सेल बढ़ रही है एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि अब हम ग्रोथ के फेज में आ गए, सेल बढ़ रही है इंक्रीजिंग. पहले 10, फिर 15, फिर 25, फिर 50, इस तरह से सेल इंक्रीज हो रही है. और यहाँ पर मैच्योरिटी रेट में, मैच्योरिटी के फेज में भी सेल हाई होती है, सेल बढ़ रही होती है. लेकिन जरा ध्यान दें, कुछ ऐसा ही चार्ट आप लोगों ने देखा अभी,
यहां पर देखें सेल इंट्रोडक्टरी लेवल पे थी लो, सेल बढ़नी शुरू हुई इंक्रीजिंग रेट से और एक ऐसा फेज आया जहां पे ये ठहराव या स्टॉप की सिचुएशन आ गई कि सेल बढ़ तो रही है लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रही, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ओके, और वहां पर हमारी सेल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर सर जी? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। सेल्स वॉल्यूम के बाद अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सेल प्राइस की, किसकी? सेल्स प्राइस की। एक बात बताओ, सेल्स प्राइस के साथ साथ हम एक कंपटीशन फेज को भी ले आते हैं। जब हमारा नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है, जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, दैट इज द इनोवेटिव प्रोडक्ट विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय मी फर्स्ट टाइम आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ओके, आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इट मींस अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हैज ऑलरेडी बीन incurred and I just want to recover those expenses by selling the product in the market. जब हम अपनी सेल प्राइस को, अरे सेल प्राइस से प्रोडक्ट की उन कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हुई है, और मार्केट में मेरा प्रोडक्ट नया है, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट नया है, मैंने कहा मार्केट में मेरा प्रोडक्ट नया है, तो निल कंपटीशन है और उस निल कंपटीशन में मैं हाई सेलिंग प्राइस रखूंगा ताकि हम अपना कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर सकें। अच्छा, कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर सकें? क्या कस्टमर्स को इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई नॉलेज नहीं है कस्टमर्स को, नो नॉलेज। क्या बात कर रहे हैं सर जी? आज की दुनिया, आज की एज में आप ये कहना चाहते हैं कि कस्टमर्स को नॉलेज नहीं, जागो ग्राहक जागो वाला हिसाब किताब नहीं? बिल्कुल सही। अगर मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो लोग खरीदने के लिए ज़्यादा क्यूरियस होंगे, शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा क्यूरियस होंगे एंड दे वांट टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट। उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें सेल्स प्राइस की, तो सेल्स प्राइस तो यहाँ हाई है, लेकिन ग्रोथ फेज में आ करके सेल प्राइस हम थोड़ी लो कर देंगे क्या? ना, हम अपनी सेल प्राइस को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। हम अपनी सेल प्राइस को मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब हम सेल प्राइस को मेंटेन करेंगे, रीज़न क्या है मेंटेन की? अब सेल प्राइस मेंटेन करने के पीछे रीज़न मेरा यही होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं प्राइस को नीचे लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अनरिकवर्ड कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेलिंग की इतनी ज़्यादा है कि मुझे उस कॉस्ट को वसूलने के लिए, रिकवर करने के लिए अपनी सेल प्राइस को नॉर्मली मेंटेन करना होगा। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो हाँ जी, यहाँ कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है और कस्टमर्स नॉलेज स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो वहाँ पर लोग अपने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफर्स देने लगेंगे, और जब ऑफर्स देने लगेंगे तो कस्टमर भी उस मौके को क्यों चूकेगा, वो भी उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देगा। सर जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया,
आपने बताया इंट्रोडक्टरी फेज में सेल्स वॉल्यूम लो होता है, सेलिंग प्राइस हाई रखी जाती है, कंपटीशन निल होता है और कस्टमर का नॉलेज ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ, कि प्रॉफिट की क्या सिचुएशन होती है, क्या प्रॉफिट, अरे नहीं, इंट्रोडक्टरी फेज में आप प्रॉफिट के होने की बात करते हो। अरे अभी तो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और उसमें हम प्रॉफिट की बात करेंगे। अरे मेरे पास वैसे ही इतनी ज़्यादा कॉस्ट है मार्केटिंग की, रिसर्च की, कि हमारा प्रॉफिट ना के बराबर आएगा भाई। और अगर हम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, किसकी, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। सर ये क्या बलाएं हैं जो आप सामने लिखते चले जा रहे हैं? हम आपको केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब वो इंट्रोडक्टरी फेज में होता है, तो उस समय उसकी सेल्स क्वांटिटी क्या होती है, सेल्स प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्योंकि कोई नहीं जानता प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता, कंपटीशन की क्या सिचुएशन होती है और कस्टमर का नॉलेज क्या होता है, हम इन फैक्टर्स के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रोथ फेज में, सर एक बात तो समझ में आ गई, जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोडक्टरी फेज में लाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट को सोचो मत, क्योंकि हमने वहाँ पर न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इनकर की है और उन कॉस्ट को रिकवर करना सबसे मेन काम होता है। मुझे मालूम है कि फ्यूचर में इस मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे ही प्रॉफिट आएगा मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रो हो जाएगा, नए नए कंपटीटर्स एंटर करने लगेंगे और मजबूरी में मुझे फ्यूचर में अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और फ्यूचर में प्राइसेस को कम करेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने उस प्रोडक्ट पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इनकर की थी वो कॉस्ट भी हम रिकवर ना कर पाएं। तो बेटर ये है कि हम अपनी कॉस्ट को, मैक्सिमम कॉस्ट को इनिशियल स्टेज में ही रिकवर कर लें। और जब हम अपनी कॉस्ट को इनिशियल स्टेज में रिकवर करने की बात करते हैं तो उस प्राइसिंग सिस्टम को नाम दिया जाता है स्कीमिंग प्राइसिंग। थोड़ी देर में बात करते हैं स्कीमिंग। एक और होता है, थोड़ी देर में बात करेंगे हाउ टू फिक्स द प्राइसेस एट इनिशियल लेवल ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्चिंग। जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो किस तरह से हम प्रॉफिट को सेल प्राइस को सेट करेंगे, हाई या लो। चलो इसकी बात करते हैं। ग्रोथ फेज में मेरी सेल वेल क्वांटिटी ज़्यादा हो गई इंक्रीजिंग रेट से, प्राइस को मैंने मेंटेन रखा है, हाँ इसमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मैच्योरिटी में हर आदमी उसमें आ जाता है, हर आदमी एंट्री करता है, उसके बाद हम बैठ जाते हैं कि भाई मार्केट तो सैचुरेटेड हो गया, ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अब तो कट थ्रो कंपटीशन है, सेल प्राइस में उतना मुनाफा नहीं है। ओके, कस्टमर की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट हम अपना कमाना स्टार्ट कर देते हैं ग्रोथ फेज में, और मैच्योरिटी पीरियड में प्रॉफिट तो होता है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट होता है, न कि हाई प्रॉफिट होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी सेल प्राइस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं मैच्योरिटी पीरियड में। जब कंपटीशन हाई होगा तो हम अपनी सेल प्राइस को तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, और जब सेल प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, या तो नॉमिनल प्रॉफिट आएगा या तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट की उम्मीद ना करना। प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं,
किस फेज में? सर जी ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में हम प्रोडक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके चलते हैं और यहां पर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज्ड कर लेते हैं। सर वो बताइए डिक्लाइन फेज, सारे फेजेस तो आपने बता दिए, आपने बताया जब ग्रोथ फेज होता है, मैच्योरिटी फेज होती है तो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी फेज होता है तो क्या होता है, अब जरा ये भी बता दीजिए कि डिक्लाइन फेज होगा तो क्या होगा। जब डिक्लाइन फेज होगा तो सेल्स वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा घटना, सेल प्राइस लेस हो जाएगी क्योंकि अब हमारा इस प्रोडक्ट से मन खट्टा हो गया है, इस प्रोडक्ट को अब मुझे बेचने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कंपटीशन को मारो गोली, कंपटीशन के बाद न्यू वैरायटीज मार्केट में आ गई, न्यू अराइवल्स मार्केट में आ गए, न्यू अराइवल्स मार्केट में आ गए, नए वेरिएंट आ गए, हमारा फिर से खत्म हो जाएगा कंपटीशन। नो क्यों? क्योंकि न्यू अराइवल्स आ गए, प्रोडक्ट को हम लोगों को चेंज करने की आदत है, सेम प्रोडक्ट हम कई बार यूज़ नहीं करते, कई बार हम प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं और एक समय के बाद प्रोडक्ट को चेंज ही कर देते हैं। कस्टमर की नॉलेज, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कस्टमर को इसके बारे में कोई नॉलेज होगा? अरे एक बार जब हाई लेवल पर पहुंच गया तो हाईएस्ट लेवल पर भी तो पहुंचेगा कस्टमर की नॉलेज, और कस्टमर को लगता है बहुत हो गया, इस चीज़ का टेस्ट ले लिया, अब थोड़ा वेरिएंट चेंज करते हैं, अब थोड़ा प्रोडक्ट चेंज करते हैं, अब कुछ नया लेते हैं, और यहाँ पर निल हो जाता है मेरा प्रॉफिट। क्या हो जाता है? प्रॉफिट निल हो जाता है, बोलो, और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो हो जाती है। दैट्स इट, ये हमारे फेजेस थे। इंट्रोडक्टरी फेज में सेल प्राइस हाई होती है, ग्रोथ फेज में सेल प्राइस मेंटेन रखते हैं, मैच्योरिटी फेज में सेल प्राइस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में आपका डिक्लाइन फेज में सेल प्राइस को हम बहुत कम कर देते हैं। और अगर बात करें सेल्स वॉल्यूम, इंट्रोडक्टरी फेज में हमारा सेल्स वॉल्यूम प्लस लॉन्च हुआ है, तो नो मींस सेल्स वॉल्यूम लॉन्च हुआ है अभी तो उतना वॉल्यूम नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो नो है या लो है। और ग्रोथ फेज में मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो गया, उसकी डिमांड चारों तरफ से आने लगी, एक ऐसा समय आया कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ने से मैच्योरिटी पीरियड में हम लोग आ गए, और वहाँ पर हाई सेल तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और लास्ट में सेल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट भी उसी तरह जवाब देगा जिस तरह हमारा सेल्स वॉल्यूम और सेल प्राइस है। सेल्स वॉल्यूम लो है, कॉस्ट इनिशियल स्टेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग की ज़्यादा है, तो लॉस या निल। जबकि ग्रोथ फेज में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाता है, नए नए कंपटीटर्स एंट्री करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी सेल प्राइस को मेंटेन कर रहे हैं और हमारी सेल वैल्यू हाई एट हायर रेट है, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलता है। जबकि जब नए नए कंपटीटर्स और मार्केट में लोग प्रोडक्ट को जानना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर बात करें कस्टमर के नॉलेज की, तो शुरुआती दौर में उनको कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ता चला जाता है। नोट कर ले, अच्छा अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की। पहला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसकी बात करने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
क्या है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइट लाइफ्स। ओके, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ निश्चित होती है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ निश्चित होती है, अब चाहे वो मंथ्स में हो, इयर्स में हो या इयर्स में हो। मूवमेंट सेट होता है, ओके, इट मींस देयर इज अ पैटर्न। हाँ जी सर, अगर आप पैटर्न की बात करते हैं तो क्या आप पैटर्न से मतलब इंट्रो फेज? हाँ। ग्रोथ फेज? हाँ। मैच्योरिटी फेज? हाँ जी। और क्या आप डिक्लाइन फेज की बात कर रहे हैं? ये मूवमेंट सेट होता है? हाँ, ये मूवमेंट हमारा सेट होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सोच लो, आज ही हमें मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट जो नया है उसका मूवमेंट कैसे होगा, और ये भी हम बता सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो ग्रोथ फेज में हाई होता है, मैच्योरिटी फेज में भी हाई होता है, या कह सकते हैं कंपैरेटिवली लो होता है, और डिक्लाइन फेज में वेरी लो या नॉमिनल होता है। सर ये तो आपने पहले ही हम लोगों को थोड़ी देर पहले जब आप चार्ट बना रहे थे तो आपने बता दिया। ओके, एक चीज और जो एक फेज में तय होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, और वो है कि हमारा R&D एक्सपेंसेस डेवलपमेंट या ग्रोथ फेज तक होता है, और कॉस्ट कंट्रोल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं डिक्लाइन फेज पे, क्योंकि यहाँ हम अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए सेल प्राइस को तो ऑलरेडी कम कर चुके हैं ड्यू टू हाई कंपटीशन, अब सेल प्राइस को और कम नहीं कर सकते, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल या कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं डिक्लाइन फेज में। यानी ग्रोथ फेज में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मैच्योरिटी लेवल पे कम हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, कंपटीटर्स आर देयर एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, लेकिन हमारा कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर या सिस्टम स्टार्ट हो जाता है किसमें? डिक्लाइन फेज में। बोलो भाई, हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट की लाइफ क्या होती है, फाइनाइट लाइफ होती है, मूवमेंट हमारा सेट होता है, प्रॉफिट धीरे धीरे घटता जाता है, शुरू में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हाई कॉस्ट होती है, बाद में कॉस्ट कंट्रोल की प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो है कि जब हमारा प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली फेज में आता है, जब हमारा प्रोडक्ट लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है, तो हम वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एक्सप्लॉयट करना। क्या करना? एक्सप्लॉयट करना न्यू यूजेस और न्यू यूजर्स। हम चाहते हैं प्रोडक्ट तो ख़त्म हो ही रहा है, क्यों नहीं इसमें नए यूज़र्स या उसके नए नए यूजेस बताए जाएं, ताकि उसकी एक्सटेंड हो सके लाइफ किसकी? प्रोडक्ट की। ओके, टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, फाइनाइट लाइफ होती है, सेट मूवमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसीजर होता है, प्रॉफिट उसके हिसाब से घटता चला जाता है और बाद में बहुत कम हो जाता है, लास्टली हम प्रोडक्ट्स के नए यूजेस और नए यूजर्स को एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स इट। सर एक बात बताइए, बोलो,
कि ये वेरियस स्टेजेस क्या हैं, ये वेरियस स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस बताए गए। सबसे पहला स्टेज होता है मार्केट रिसर्च, सबसे पहला फेज होता है मार्केट रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है क्या मार्केट में सेल किया जाए। ओहो, इनोवेटिव आइडिया, मेरे दिमाग में कुछ नई आइडिया आई, दिस इज़ आर रिसर्च, रिसर्च फेज हैज़ बीन स्टार्टेड। मुझे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, ना आई स्टार्ट टू थिंक अबाउट टू सेल आउट द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोडक्ट को फिजिकली लाओगे भी तो। अब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और क्या ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर पाना फीजिबल है, क्या वायबल है, क्या ऐसा प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहते हैं, क्या उनकी डिज़ायरनेस है। हम मार्केट सर्वे करना स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट लोगों से जानना चाहेंगे व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे वांट टू बाय, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस दे वांट टू एक्सेप्ट। ओके, ये है मार्केट रिसर्च। अब उस मार्केट रिसर्च के बाद हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की जिसकी मार्केट में हमें लगता है डिमांड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। हमने अभी केवल मार्केट रिसर्च किया है, एक प्रोडक्ट को दिमाग में सेट किया है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट द पब्लिक वांट टू बाय। नाउ आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टू गेट इनटू द स्पेसिफिकेशन फेज। What when market research is set, it will be necessary to turn the general statement of requirement into a detailed specification, which will tell the designer and manufacturing engineer precisely what is required. अब मैं specification दूंगा, दिशा निर्देश दूंगा कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसमें ये चेंजेस होने चाहिए एंड द पब्लिक वांट टू बाय। और इसके लिए मुझे अपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स को या अपने टेलर को बैठाना पड़ेगा, उनको इनके बारे में समझाना पड़ेगा और इसके बाद वो काम स्टार्ट होगा जिसका हमारा इंतज़ार हो रहा था। अब तक सपनों की बातें हो रही थीं, अब डिज़ाइनिंग की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तक सपनों की बात हो रही थी, अब डिज़ाइन की बात होगी कि किस तरह से प्रोडक्ट हाथ में आएगा, किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, कौन सा वेट और वॉल्यूम चाहिए, कौन सी साइज़ चाहिए। ऑल द थिंग्स आर नीडेड टू बी इनकॉर्पोरेट इन आर डिज़ाइन। अच्छा, डिज़ाइन के बाद सर जी अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप गुड्स या प्रोडक्ट, हम उस तरह के गुड्स बनाने की बात करेंगे जिस तरह के गुड्स हमें चाहिए। अभी हमने लास्टली फिनिश्ड गुड्स नहीं डेवलप किया, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए। भाई अगर मुझे कार बनानी है तो मैं एक रफ मॉडल बनाऊंगा कार का, और रफ मॉडल बनाने के बाद देखूंगा क्या वो कार हमारी सारी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर पाएगी। अब 3D एनिमेशन बनाओ या 4D एनिमेशन बनाओ या 11D एनिमेशन से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आज का ज़माना बदल गया है। मार्केट रिसर्च पर आपने खर्च किया, लोगों की चीज़ों को जानने की कोशिश की, उसके बाद में आपने स्पेसिफिकेशन दिया, आपने इंजीनियर और टेलर को बैठा कर उनको अपनी चीज़ों को समझाया और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए बोला। उन डिज़ाइन को वो बनाते बनाते एक प्रोटोटाइप गुड्स हाथ में, प्रोडक्ट तैयार होकर के हाथ में आया। और जब हाथ में प्रोटोटाइप गुड्स आ गया, हमने रिजेक्ट किया, नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा लाओ, दूसरा गुड्स आया, नहीं ये नहीं चाहिए, इसमें ये चेंज करो, ये नहीं ये चाहिए, ये चेंज करो। प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हाथ में आ गया। अब क्या, अब हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन और प्रोटोटाइप के बाद हमारा काम होता है डेवलपमेंट। और यही वो फेज़ होता है जहाँ पे हम
अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं, ऑन पेपर नहीं, ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट फेज में। और ये वो फेज़ होता है, ये वो स्टेज होती है जहाँ पे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जितना कंपनी ने हो सकता है सोचा भी ना हो। तो सर डेवलपमेंट भी हो गया, अब डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट मेरे हाथ में प्रोटोटाइप बनवाए और उसमें से एक डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट को चुन लिया। अब खर्च करने लगे, खर्च किस पर करेंगे? मैंने एक कार का मॉडल सोचा, डेवलपमेंट फेज में मैंने कार के ऊपर प्रोटोटाइप मॉडल बनवाया, उसके बाद डेवलप करवाया, अल्टीमेटली एक कार का फॉर्मेट सामने आया, जो अब मेरे सपनों में दौड़ रही है कि हम इस कार को तो मार्केट में लॉन्च कर ही दें। इसी कार की तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, क्यों ना ये मॉडल मार्केट में अब सेल करना स्टार्ट कर दें। लेकिन केवल सोचने से नहीं, काम अब करने का वक्त आ गया है। अब हम टूलिंग का काम करेंगे, अब हम ज़मीन खरीदेंगे, ओके, बिल्डिंग बनवाएंगे, ओके, मशीन्स खरीदेंगे, ओके, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर फोर्स इनवाइट करेंगे, टीम्स सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ नोन एज टूलिंग। और जब टूलिंग का काम होगा तो उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के काम के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग हो करके कारें ही कारें चारों तरफ कारें, तो अब काम करो मार्केट में एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि अब उन कारों को बेचने का वक्त आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस, और लोगों की डिमांड आने लगी। मैंने तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात की, कारों को हर जगह अवेलेबल करवाया और मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? सेल्स। और केवल सेल से काम नहीं बनेगा बेटा, सेल के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस यानी कि सपोर्ट भी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस की सपोर्टिंग, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीकमिशनिंग एंड रिप्लेसमेंट, नाउ दीज आर द वेरियस स्टेजेस। जो स्टार्ट होता है मार्केट रिसर्च, उसके बाद स्पेसिफिकेशन इंजीनियर्स को देना, उसके बाद डिज़ाइन के लिए कहना, हाथ में प्रोटोटाइप गुड्स आना, कई तरह के गुड्स हाथ में आएंगे, प्रोटोटाइप, उसमें से एक को तय कर लेना, डेवलप करवाना, हाथ में वो चीज़ आए उस पर एक्सपेरिमेंट करना, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो अब मार्केट में ले जाने के लिए सबसे पहले टूलिंग का काम करना, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल्स एक्सपेंसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम देना, और सेल्स और सपोर्ट का काम करना, और लास्ट में जब लास्ट फेज में प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो हम डिस्पोज ऑफ करने का काम कर देते हैं बिजनेस को या पर्टिकुलर प्लांट को। डीकमिशनिंग और रिप्लेसमेंट, नोट करें इसको। चलें बेटा, एक चीज़ तो ये तय हो गई, अब इस चैप्टर के थोड़े लास्ट पॉइंट को पिक किया जाए। और वो लास्ट पॉइंट जानते हैं क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। या तो स्कीमिंग प्राइसिंग होगी या फिर पेंट्रेशन प्राइसिंग होगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप?
ये स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है और ये पेंट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है। जब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी हम हाई प्राइसिंग रखते हैं। ओके ओहो, जरूरी नहीं हम लोअर प्राइस रखते हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हो कि हाई प्राइस रखते हैं, एक तरफ आप कहते हो लोअर प्राइस रखते हैं। ओके यहां पर हमने शुरू में देखा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। तो सर मार्केट में हिट करने वाला है तो सेल तो बढ़ेगी। अरे कंपटीटर्स भी तो आएंगे, अरे कंपटीटर्स भी तो आएंगे। अगर कंपटीटर्स मार्केट में आएंगे तो उस समय हमें फाइट करने में अपनी प्राइसेस को तो लो करना ही पड़ेगा। तो आज बेटर है कि हाई प्राइसिंग रख लें स्टार्टिंग में, बाद में जब कंपटीटर्स आएंगे तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए हम तैयार रहेंगे। ये तो मैं हूँ जो मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और मार्केट में कोई कस्टमर के पास नॉलेज भी नहीं है इस प्रोडक्ट को लेकर के, और प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी अधिक हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर प्राइस कॉन्शियस, इसका मतलब ये कि हम प्रोडक्ट को नॉन प्राइसिंग कस्टमर्स को सेल आउट करने जा रहे हैं, वो कस्टमर जो रिच होते हैं। हमें मालूम है कि शुरू में मोबाइल बहुत कॉस्टली होती है, बाद में जैसे जैसे मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं, वही मोबाइल जो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की सेल होती है, बाद में जा करके वो 10-12 तक आकर के गिरती है। क्यों? रीज़न ही उसके पीछे ये है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेती है और शुरू में वही प्रोडक्ट लोगों को चुभता है कि खरीद लो ये मोबाइल। लोगों को जा कर दिखाते हैं, मैंने 25,000, मैंने 50,000, मैंने 1,00,000 का प्रोडक्ट खरीदा। अरे कम कस्टमर भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर ही ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि शुरू में जब प्राइस अधिक रखेंगे, बाद में धीरे 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 लो होती चली जाएगी प्राइसेस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मास हमारे साथ जुड़ेगा, पब्लिक हमारे साथ जुड़ेगी प्राइस कम होते हुए देखकर। क्या कभी तुमने ऐसा देखा है कि शुरू में प्राइस कम रखो बाद में बढ़ाते चले जाओ? ना, ऐसा नहीं होता कि शुरू में प्राइस कम रखो बाद में बढ़ाओ, क्योंकि लोग तब हटना स्टार्ट कर देंगे बजाय खरीदने के। बेटर ये है कि हम अपनी प्राइस को हाई रख लें। और अनसर्टेंटी है हमारी डिमांड के बारे में। अगर हमें ये नहीं मालूम फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी या स्टेबल हो जाएगी, तो उस केस में बेटर ये है कि जितनी डिमांड आ रही है उसको हाई प्राइस में निपटा डालो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को रिकवर कर डालो। और फ्यूचर में तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें इसका अंदेशा पहले से ही है। तो इनिशियल स्टेज में हम हाई प्राइसिंग रखते हैं, बाद के फेजेज में हम अपनी प्राइसिंग लो कर देते हैं। जबकि पेंट्रेशन प्राइसिंग उस जगह यूज़ होता है जहां मुझे अपने प्रोडक्ट की सक्सेस के बारे में सोचना ही नहीं। मुझे मालूम है लैक्स ऑफ द पीपल विल स्टार्ट टू बाय आर प्रोडक्ट एंड वी कैन रिकवर आर कॉस्ट इमीडिएटली विदाउट गेटिंग डिले। व्हाई टू गिव चांस टू द अदर वन ट्राई टू रिकवर मोस्ट ऑफ द कॉस्ट बाई रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस एंड बाई सेलिंग द हायर क्वांटिटी इन द मार्केट विद इन द मास। ओके, ये भी एक तरीका है। हाँ, हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमें अपनी डिमांड मालूम है, डिमांड कर्व कैन बी नोन, हमें अपनी डिमांड के बारे में अंदेशा पहले से ही है। तो क्यों ना, मुझे मालूम है कि आगे से ये सेल ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी या एक मेंटेन हो जाएगी और प्राइसिंग को मेंटेन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कंपटीटर्स डरना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने कम मार्जिन पे सामान को बेचना स्टार्ट किया है, तो जब वो सामान बनाएंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि भैया ये मार्केट ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना दिख रहा है।
तो वो थोड़ा हटने और कटने लगेंगे, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है। हम एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं न्यू कंपटीटर्स को कम प्राइसिंग रख के, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेच करके कम प्रॉफिट कमा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमें अपनी डिमांड पर भरोसा है तो। हमें मालूम है कि इस प्रोडक्ट की लाइफ बहुत कम समय तक की है, क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर दें मिनिमम मार्जिन के साथ। ये दो प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। या तो हम स्कीमिंग प्राइसिंग रखते हैं स्ट्रेटजी, या तो पेंट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम अपनी प्राइसेस को हाई रखते हैं, जबकि पेंट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम अपनी प्राइसेस को, सेल्स प्राइस को लोअर रखते हैं। दैट्स इट। इन टोटालिटी देखा जाए तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सबसे बड़ा फायदा है कि रेवेन्यू के बारे में हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अगर हम बेनिफिट्स के बात करें कि जो हमने अब तक पढ़ा उनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेटा बेनिफिट्स तो केवल इतना ही है कि हमारे दिमाग में आज के बाद एक कहानी तैर रही है, कहानी दिमाग में बैठ गई है कि पहले से ही हम जान सकते हैं कि प्रोडक्ट इन चार स्टेजेस से होकर गुजरेगा। पहले लॉन्चिंग, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। आज के बाद हम जब भी सोचेंगे तो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, और जब ये सोचेंगे तो हम वहाँ की सेल्स क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू और प्राइसिंग के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में पहले से ही अंदाज़ा और मूवमेंट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि हम अपने प्रॉफिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ पे हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कहाँ पे हमें स्टेजेस, किस स्टेज पे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा, किस स्टेज में हमें सेलिंग कॉस्ट को ज़्यादा, और किस स्टेज में हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किस स्टेज में जाकर हमें अपनी प्राइसिंग को लोअर करना है, ये केवल और केवल हमें बता सकता है तो केवल और केवल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।